हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी जीके टीचर अनुपमा बोल रही हूँ, फोर्थ क्लास की। और बच्चों, अभी तक आपने लेसन पढ़े, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, आपके थ्री लेसन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि आपको इनका वीडियो भी भेज दिया गया है, जिससे आप वीडियो के द्वारा अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं और कॉपी बना के उसमें पूरा वर्क कंप्लीट करके चेक करा सकते हैं। तो हमें ये जो हम व्हाट्सएप पर वर्क भेज रहे हैं, डेली क्वेश्चन भेज रहे हैं, आप सॉल्व करिए, क्योंकि कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये सॉल्व करना है और हमें व्हाट्सएप पर आंसर भेजना है लिख के। तो बच्चों, इसी तरह अभी आपकी क्लासेस चलती रहेगी और आप वीडियो देखते रहिए और क्लासेस ऐसी ज्वाइन करते रहिए। लेकिन आप क्लासेस ज्वाइन करने से पहले बुक जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि बुक के बिना आपकी पढ़ाई बेकार है। क्योंकि बुक नहीं होगी तो हम और अच्छा नहीं अच्छा कर सकते। जितना मैं बता रही हूँ उतना आप पढ़ पा रहे हैं, उसके आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप बुक परचेज कर लिए, है ना। तो आपकी जीके की फोर्थ क्लास की बुक है, आप ये बुक खरीद लीजिए। फोर्थ क्लास का पूरा सिलेबस खरीद लीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, लेसन फोर्थ जीके का, है ना। वीडियो नंबर भी फोर है आपका, लेसन फोर्थ है। और आज हम लेसन फोर्थ पढ़ेंगे इनडेंजर स्पीसीज। इनडेंजर स्पीसीज में जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिससे आपको मैं समझा सकूँ और आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाए। तो बच्चे, जैसे कि टाइगर्स हैं, यहाँ पर ये बनाया हुआ टाइगर्स, 1000 टाइगर्स हैं। और उनमें से देखो, यहाँ संख्या काफ़ी थी, लेकिन क्या हुआ, इनको मार दिया गया कि या हंटिंग कर दी है या किसी यूज़ में अपने में ले लिया गया है। लोग बहुत तरह तरह के उसमें एनिमल्स को मार देते हैं। तो वो टाइगर्स कितने रह गए, 500 रह गए। तो ये इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई, यानी धीमे धीमे कम होती जा रही है। जब 500 थे तो हमने नहीं ध्यान दिया। उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो एनिमल्स हैं वो कम होने के बाद कितने रह गए, 200 रह गए। 200 एनिमल्स, यानी क्या हो गया, इंडेंजर्ड हो गए, क्योंकि इंडेंजर्ड की उसमें स्थिति में आ गए। या अगर हम ये जो इंडेंजर्ड की स्थिति में आ गए, अगर हम यहाँ पर भी ध्यान नहीं देते हैं, इन एनिमल्स को नहीं बचाते हैं, तो क्या होगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और फिर ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ हम मूवीज़ में या किसी पिक्चरों में ही देख पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन एनिमल्स को बचाने के लिए हमें इन्हें एक तो बच्चों, हमें इनको एनिमल्स को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए एनिमल्स को। यानी जैसे जू वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ एनिमल्स देखते हैं ना, और तो हम कहीं देखने को हमें मिलते नहीं है। तो हमें इनकी एनिमल्स की केयर करने के लिए हमें इनके लिए कुछ यानी उपाय करने होंगे, तभी एनिमल्स बच सकते हैं। नहीं तो कोई भी इनको मार देता है, अपने यूज़ में ले लेता है, या वैसे ही एक शौक के तरीके से लोग शिकार कर देते हैं इनका। तो इनको बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए, नहीं तो हमें एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि एक्सटेंड हो चुके हैं एनिमल, दैट इज़ द नो मोर ऑन अर्थ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है डायनासोर का। डायनासोर आप बिल्कुल जमीन यानी है ही नहीं है। लोग डायनासोर कहाँ देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं या कहानियों में देखते हैं। बच्चे अपनी वो मूवीज़ देखते हैं, जो बच्चे उनमें डायनासोर को देखते हैं। तो हम यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जो स्थिति डायनासोर की हो गई है कि हमें डायनासोर नहीं देखने को मिला, वही स्थिति क्या हो जाएगी एनिमल्स की, जो है जो के वो भी यानी एकदम ख़त्म हो जाएंगे, इंडेंजर्ड के उसमें आ जाएंगे। तो एनिमल्स दैट आर अंडर द थ्रेट यानी ऑफ एक्सटेंशन, है ना। तो जैसे एनिमल्स के साथ हो रहा, वैसे ही ट्री के साथ हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ ट्री कम होते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मकान बना रहे, बिल्डिंग्स बना रहे, तो ट्री के साथ भी यही हो रहा है। अगर हम नहीं सेव करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम यानी जो उसकी एयर मिल रही है ट्री से, वो हमें नहीं मिलेगी और हम ऑक्सीजन वगैरह लेने में बहुत आगे जाके दिक्कत आएगी। तो हमें अभी से सेव करना चाहिए ट्री वगैरह और एनिमल्स, ये सब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि ये बताया एक्सटेंट और एंडेंजर, एक बार मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सटेंट मीन्स एकदम ख़त्म होना,
यानी यहाँ पर अब बिल्कुल एक भी एनिमल्स नहीं बचे हुए हैं, और जो इंडेंजर्ड है यानी जो है एनिमल्स ख़त्म होने की कगार पे हैं, एक्सटेंट होने की कगार पे हैं, तो उन्हें हमें बचाने के लिए उन्हें एनिमल्स को हमें सेव करना होगा, तभी जाके ये एनिमल्स बच सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सटेंट हो जाएंगे। जैसे डायनासोर अब हमें नहीं देखने को मिलता है, इसी तरह ये जो एनिमल्स हैं ये भी नहीं मिलेंगे हमें देखने के लिए। तो बच्चों अभी हम बुक से खोलेंगे और पढ़ेंगे, और जो भी होगा वो मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगी कि इसके बारे में। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अभी आपको बुक पढ़ के बताऊंगी, तो हम लेसन 4 पढ़ रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स आते हैं इंडेंजर स्पीसीज के बारे में इस वाले लेसन में आपको बताया गया है। तो इसमें पहले ये देखिए, एक तो आपको जो दिए हुए हैं क्वेश्चन उनमें आंसर फिल करना है ना, तो ये मैं इनके बारे में पढ़ूंगी, इनके आंसर जो है मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं कि इन जो एनिमल्स हैं उनके बारे में क्या बताया है। हाँ, तो पहले तो ये देखो, इसमें कुछ वो दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग इनडेंजर स्पीसीज इन द स्पेस प्रोवाइड यूजिंग द हेल्प बॉक्स, यानी आपको हेल्प बॉक्स दिया है उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें आंसर फिल करने हैं। तो हम अब इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर फिल करेंगे। हाँ, जैसे कि द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज वर्ड एंड एनिमल्स दैट आर अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, यानी अगर एक्सटेंशन के बारे में अभी हम समझा चुके हैं ना आपको बोर्ड पे, उससे पहले पूरा बताया है कि अगर हम नहीं एनिमल्स को ध्यान रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। तो हम इसके ही बारे में बच्चों अब पढ़ेंगे। ये है फर्स्ट नंबर पे, इट इज़ मैनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, प्रेजेंटली देयर आर ओनली 200 वर्ड्स इन वाइल्ड एंड 130 वर्ड्स इन कैप्टिविटी। तो इसमें बताया हुआ है कि कितना, कि 200 वर्ड हैं इन वाइल्ड एंड 130 वर्ड कैप्टिविटी। जैसे कि बच्चों इसमें बताया हुआ है ना कि 200 वर्ड्स इन वाइल्ड, तो कुछ जो हैं वर्ड्स 200 वो तो एनिमल्स यानी कहाँ पे हैं, फॉरेस्ट में हैं, और एंड 130 वर्ड्स इन कैप्टिविटी यानी ये क्या है, इनको कैद कर रखा हुआ है। तो ये इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है हुपिंग क्रेन के नाम से। ये क्या है, हुपिंग क्रेन। तो बच्चों हमने फर्स्ट वाला पढ़ा कि ये कौन सी वर्ड है, हुपिंग क्रेन। और सेकंड नंबर का बच्चों देखिए, इट इज़ मेनली फाउंड इन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्मॉल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड नेपाल, इट इज़ द फास्टेस्ट इंडियन एंटीलोप, इट इज़ इलॉन्गेटेड हॉर्न्स विच हैव स्पाइरल ट्विस्ट ऑफ दे 3 to 4 टर्न्स आर इट इज़ डिस्टिंक्टिव फीचर। तो बच्चों ये क्या बताया है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ये क्या है, ब्लैक बग। तो बच्चों हमने इसके बारे में पढ़ा, तो बताया क्या है इसमें कि मेनली क्या पाया जाता है, ब्लैक बग इंडिया में पाया जाता है ना, इट इज़ द ऑल्सो फाउंड इन स्मॉल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान एंड नेपाल, इट इज़ द फास्टेस्ट इंडियन एंटीलोप। तो बच्चों जैसे इंडियन हिरन तो बहुत होते हैं, लेकिन ये सबसे तेज भागने वाला है, और आपने इसके बारे में सुना होगा पहले कि सलमान खान ने इसको इस्तकार किया था, तो उनके ऊपर काफ़ी दिन केस भी चला था है ना, तो यही ये वो ब्लैक बग है। और ये देखो इनके हॉर्न्स मीन क्या होता है, सींग होते हैं, तो इनके जो जो सींग हॉर्न्स होते हैं तो स्पायरल ट्विस्ट 3 or 4 टर्न्स होते हैं इनके हॉर्न्स के, आर इन डिस्टिंक्टिव फीचर्स यानी इनके जो फीचर्स हैं इस टाइप के बताए हैं, तो ये क्या है, ब्लैक बग है। तो अब हम आगे थर्ड नंबर का पढ़ेंगे, ये थर्ड नंबर पे जो दिया है, मेनली फाउंड इन साउथम ब्राज़ील एंड सेंटा मैक्सिको, इट्स मूव स्वीटली बाय मेकिंग ट्रमंडस लीप
स्प्रॉवलिंग आउट लाइक स्पाइडर एंड ग्रास्पिंग ट्री लिम्स विथ इट्स टेल। यानी ये क्या बताया हुआ है कि वो लंबी लंबी छलांगें लगाता है और अपनी जो टेल पूंछ के द्वारा वो ट्री पे लटक जाता है। तो ऐसे इसमें बताया हुआ है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पाइडर मंकी। तो बच्चों हम फोर्थ नंबर पढ़ेंगे। जैसे कि बताया हुआ है इसमें दिस एनिमल हैज़ नो हॉर्न्स, यानी इसकी नो हॉर्न्स यानी इसके क्या होते हैं, सींग नहीं होते हैं। द कैनाइन टीथ ऑफ द मेल आर प्रोजेक्टेड इन द फॉर्म लॉन्ग टक्स। तो आपने देखा इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इनके जो कैनाइन यानी टीथ इन द मेल आर प्रोजेक्टेड इन द फॉर्म लॉन्ग, इनके जो टीथ होते हैं काफ़ी लंबे से और काफ़ी पैने से होते हैं। जैसे आपने देखा है एलिफेंट के बाहर निकले होते काफ़ी पैने होते हैं इनके टस्क, तो इसी तरह इनके भी काफ़ी पैने होते हैं। तो हम इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं मस्क डियर के नाम से। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ नंबर का। दे आर फाउंड इन द प्रोविंस ऑफ वेस्टर्न चाइना। दे हैव ब्लैक आइज ईयर्स लेग्स एंड ब्लैक वेंट अक्रॉस शोल्डर। दे फीड पर प्राइमरली ऑन बैम्बो एंड लीव इन बैम्बो फॉरेस्ट। तो ये है तो बच्चों ये है क्या जाइंट पांडा, और ये ज़्यादातर कहाँ रहना पसंद करता है, बैम्बो का जो फॉरेस्ट होता है, जैसे बैम्बो जहाँ होते हैं तो ये बैम्बो फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है और ये बैम्बो ही खाना पसंद करता है। और इसकी पहचान जो बताई है कि ये किस टाइप से होता है, दे हैव ब्लैक आईज एंड ईयर्स लेग्स एंड ब्लैक बैंड। तो इसकी जो गले के पास है, देखा आपने, दिख रहा है ना, उसमें कैसे ब्लैक बैंड टाइप से यानी बना हुआ है एक्रॉस शोल्डर्स, है ना। तो ये जाइंट पांडा की ये जो बताया है ये पहचान है कि वो ब्लैक एंड वाइट और इस तरह से और बैम्बो खाना पसंद करता है और बैम्बो के फॉरेस्ट में ही रहता है। इट इज़ द टॉलेस्ट बर्ड इन नॉर्थ अमेरिका। इट हैज़ विंग्स स्पैन ऑफ 7.5 feet एंड नियरली 5 feet टॉल। तो इस जो बर्ड्स है इसका नेम है ग्रेट बस्टर्ड। तो हमने ये पढ़ा कि कितनी ये जो है काफ़ी टॉलेस्ट बर्ड होती है और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है ना। इट इज़ हैज़ बीइंग द स्पैन ऑफ 7.5 feet, यानी इसके जो विंग्स बताए हैं कितने लंबे बताए हैं, 7.5। अब बच्चों देखो जाइंट पांडा है, इट इज़ एज द मच एज 10 kg ऑफ बैम्बू अ डे। यानी जाइंट पांडा को क्या है, रोज़ डेली में उसे कितना बैम्बू चाहिए, 10 kg, यानी उसको इतना खाने के लिए चाहिए। तो हमने ये जाइंट पांडा के बारे में पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा और अभी थोड़ा समझा दूँगी आपको और उसके बाद आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा और रह गया। तो बच्चों अभी तक हमने बुक्स में पढ़ा पूरा इंडियन जो इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में, और मैंने एक एक वर्ड्स पढ़ कर समझा दिया, और आपने अब वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ लेंगे ना। और यहाँ पे एनिमल्स की 6 नेम पूरे लिख दिए, जितने एनिमल्स के बारे में समझाया वो पूरे एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे हुपिंग क्रेन, ब्लैक बग, स्पाइडर मंकी, है ना, मस्क डियर एंड जाइंट पांडा और ग्रेट बस्टर्ड। तो हमने ये सब पढ़ा, जाइंट पांडा के बारे में पढ़ा, है ना। तो बच्चों ये सब कॉपी में नोट करिएगा और आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज आपका जीके का 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो इसी तरह आप क्लास लेते रहिए और वीडियो देखते रहिए। चलिए बाय, टेक केयर।